नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबर की। विपक्षी दलों के नेताओं ने एक साझा बयान में ऐलान किया है कि 20 सितंबर से 30 सितंबर 2021 के बीच सरकार की नीतियों के खिलाफ वह पूरे देश में संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन करेंगे। सोनिया गांधी द्वारा बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक के बाद इसका ऐलान किया गया। विपक्षी दलों ने सरकार के सामने 11 सूत्रीय मांगे भी रखी हैं। राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को एकजुट करने की कवायद के बीच सोनिया गांधी ने शुक्रवार को 19 विपक्षी दलों के साथ एक लंबी और अहम बैठक की है। वर्चुअल माध्यम से ये बैठक हुई। बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि हमारा बड़ा लक्ष्य 2024 के लोकसभा चुनाव है, जिसके लिए हमें तैयारी अभी से शुरू करनी है। हमारा लक्ष्य देश को एक ऐसी सरकार देने का है जो फ्रीडम मूवमेंट और संविधान के सिद्धांतों में विश्वास रखती हो। सरकार की हर धर्मिता की वजह से मानसून सत्र में कामकाज नहीं हो सका। पेगासस स्पाईवेयर कांड, नए कृषि कानूनों की वापसी और किसान आंदोलन, महंगाई जैसे जनता से जुड़े अहम मुद्दों पर सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं हुई। विपक्षी दलों के अपने अपने कंपल्शन हैं, लेकिन समय आ गया है कि राष्ट्रहित में इनसे ऊपर उठकर हम साथ आ जाएं। तो कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को विपक्षी दलों के नेताओं के साथ वर्चुअल तरीके से बैठक की। कांग्रेस समेत 19 दलों की बैठक के बाद विपक्षी दलों ने 11 सूत्रीय मांग रखी हैं। सुनिए विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया। कि एकता अखंडता को ही बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं, कर चुके हैं और तेज कर रहे हैं, तो इसका मुकाबला करना। जनता के सामने जो समस्याएं हैं, कोविड का मिसमैनेजमेंट और वैक्सीनेशन के अभाव, बहुत सुना हमने वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, लेकिन अब देख ही रहे हो आप, अगर ये वैक्सीनेशन नहीं होगा तो जो टारगेट जो आपने किया कि सभी एडल्ट जो है 18 साल के उम्र के से ऊपर सभी को, इस पे फोकस ज्यादा करना चाहिए कि कितनी पार्टीज साथ में जुड़कर एकजुट होकर एक मीटिंग अटेंड करी हैं, जैसे वो ब्रेकफास्ट मीटिंग की भी पहल हुई थी। तो ये बहुत स्पष्ट होता जा रहा है कि केंद्र सरकार का जो अहंकार है, जिस तरीके से वो कोई मुद्दों पे बहस नहीं करना चाहते हैं, माय वे और द हाईवे अपनाते हैं, तो ऑपोजिशन को डेमोक्रेसी के लिए, प्रजातंत्र के लिए और संविधान को संभालने के लिए और उसकी देखरेख करने के लिए एकजुट होना जरूरी है और एक अम्ब्रेला में आकर कॉमन मुद्दों को जनता के सामने लाना बहुत जरूरी है। माना जा रहा है कि इस मीटिंग का चुनाव और आने वाले राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं उनकी रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है। मैं मानती हूं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, 2024 तो अभी दूर है, जनता के साथ रोज वार हो रहा है, गरीबी को लेकर हो, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर हो, अर्थव्यवस्था को लेकर हो, हमने देखा नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे हो, किसानों के मुद्दे हो, कोविड मिसमैनेजमेंट का मुद्दा हो, वैक्सीन शॉर्टेज का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे अहम हैं, पर सरकार इस पे किसी तरीके की बहस नहीं होने दे रही है, पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर हो। तो और प्राइस राइज जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, फ्यूल प्राइस राइज, जहां पे निर्मला सीतारमन जी ने भी आकर अजीब गरीब बयानबाजी की है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, तो जनता के बीच पे अपनी आवाज रखना, जनता की आवाज बनकर उसको उठाना, ये विपक्ष की जिम्मेदारी होती है। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, इंपॉर्टेंट ये है कि जनता की आवाज कहीं दबनी नहीं चाहिए। तालिबान असदुद्दीन ओवैसी ने कमेंट किया है सरकार पर, उन्होंने कहा है कि हमारे देश में 5 साल से नीचे की 9 में से 1 लड़की के साथ एट्रोसिटी का शिकार होती है, लेकिन आपको चिंता तालिबान की, अफगानिस्तान की। मैं हैरान हूँ इस तरीके के कमेंट से। तालिबान महिलाओं के खिलाफ ही नहीं है, वो डेमोक्रेसी के खिलाफ है, वो टेररिज्म को आगे बढ़ाता है, उनके हाथ कितनी सारी चीजों में जो टेरर एक्टिविटीज की गतिविधियां होती हैं उसको प्रमोट करने में लगा है। लोगों देखिए, सोच एक सा रहे, सब लोग चिंताएं सबकी एक सी है। पहली बार एक दस्तावेज के साथ जो देश की जनता की हर तरह की, किसान है, मजदूर है, रोजगार, बेरोजगार, यानी धंधा पानी, इकोनॉमी, इस सब की एक साथ जो हालात है उस पर सबने अपने अपने तरीके से अपनी बात को रखा। शरद पवार जी ने, ममता जी ने, शरद पवार के बाद ममता जी ने, कोई नेता नहीं था जिसने अपने तरीके से जो समस्या है सब तरह की उनको उठाने का काम नहीं किया है। कश्मीर का सवाल एक तरह से
जो हमारी फ्रीडम मूवमेंट के लोग थे, आजादी की लड़ाई के लोग थे, उन्होंने जो कश्मीर बनाया था उसे आगे बढ़ाना था, उसे पीछे कर दिया गया। सर, कश्मीर के मुद्दे पे किस नेता ने क्या कहा? वो मुफ्ती मोहम्मद ने कि महबूबा मुफ्ती ने कहा कि शेर लोग बात करते हैं तो देर रखते हैं, पर हम लोग यदि तालिबान या पाकिस्तान या किसी आदमी से बात करते हैं तो हमको एंटी नेशन कहते हैं। और एक तरह से कोई मुद्दा नहीं था, ये जो कोरोना वाला फेस है इसमें और चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की भी शुरुआत कर लेते हैं। आपने तमाम नेताओं के उम्मीद जता रहे हैं कि विपक्षी दल इकट्ठा होकर एक मजबूत सरकार देश को दे पाएंगे। 2024 की तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। इस मसले पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधे मेहमानों से हम आपका यहां परिचय करवा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय जी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इनके अलावा डॉक्टर नेपाल सिंह इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। डॉक्टर सिंह, शुरुआत आपके साथ ही। जिस तरह से कल सोनिया गांधी ने एक वर्चुअली बैठक बुलाई, काफी अहम बैठक रही, लंबी वार्ता इस दौरान चली, लगभग 11 मुद्दों पर सहमति बनी और सबसे बड़ा मुद्दा तो उन्होंने यही रखा है कि 20 से 30 सितंबर के बीच पूरे देश भर में प्रदर्शन किया जाएगा और सरकार की नीतियों को उठाया जाएगा। मैं जानना यह चाह रही हूं कि जिन सोनिया गांधी के द्वारा यह बैठक बुलाई गई थी, क्या वो सोनिया गांधी अपनी पार्टी को एकजुट करने की कोई कोशिश कर पा रही है? आप विपक्षी दलों को एकजुट कर रहे हैं लेकिन आपकी खुद की पार्टी पूरी तरह से बिखरती हुई नजर आ रही है। डॉक्टर सिंह, कांग्रेस समस्या दो जगह बटी हुई है। राहुल जी चाहते हैं युवा नेतृत्व आए और वो अकेले चुनाव लड़े, क्योंकि कांग्रेस ने जितनी दफे जब मिलकर चुनाव लड़ाया कांग्रेस वहां खत्म होती चली गई, चाहे वो यूपी रही हो चाहे दूसरे प्रदेश रही हो। ये स्वाभाविक भी है, जब क्षेत्रीय पार्टी को ज्यादा देंगे तो हमें कहने के बड़ी पार्टी होने नाते कंप्रोमाइज करना पड़ता है। यदि आज भी हम कोई सहमति बनाए तो कांग्रेस को क्या करना पड़ेगा? जहां छोटी पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी जीत चुकी है उनको सीट देनी पड़ेगी। जब उनको सीट देनी पड़ेगी तो कांग्रेस सीट कम होगी, कांग्रेस सत्ता हो जाए। तो राहुल चाहते हैं कि चुनाव में चाहे भले हम जीते हैं या हारे हैं लेकिन हमें अपना खड़ा होना पड़ेगा, ऐसी सोच के साथ राहुल आगे बढ़े। लेकिन जो एक तबका है जो थोड़ा बुजुर्ग हो चुका है कांग्रेस में और जो सोनिया जी के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है, वो ये उनको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि नहीं, हमको चुनाव मिलकर लड़ना पड़ेगा, सबके साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा, नहीं तो देश में डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। क्योंकि वो अपने अंतिम क्रोध में है राजनीति के, वो चाहते हैं जितने राजनीति के साथ रह सके और आसानी हो जाए। उनको इससे कोई मतलब नहीं कि युवा नेतृत्व खड़ा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। एक तो बेसिक प्रॉब्लम ये आ रही है। दूसरी बात ये आ रही है कि क्षेत्रीय पार्टी की समस्या ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई ना एक राष्ट्रीय पार्टी जरूर चाहिए। वो अमरेला के लिए राष्ट्रीय स्तर जीती है, हर क्षेत्र अपने अपने इलाके में एक क्षेत्र हो सकता है लेकिन जब वो राष्ट्रीय स्तर पर होता है तो उसको कहीं ना कहीं छात्रा जो है राष्ट्रीय पार्टी का ही लेना पड़ेगा। और अब राष्ट्रीय पार्टी के रूप में सिर्फ हमारे पास एक कांग्रेस है, तो एक ये दोनों की मजबूरी हो रही है। लेकिन जैसा कि इसमें पार्टी में आपने कहा, आपके दो के बयान मुझे सुनाए, एक हमारी प्रॉब्लम है, एक दूसरे है, हम मुद्दे उठाएंगे। अब मुद्दे उठाने पर यदि हम बात करते हैं तो कल इतनी सभी पार्टी ने इकट्ठा किया, कश्मीर का मुद्दा इसमें आया थोड़ा बहुत, तो क्या कश्मीर के मुद्दे पर किसने रिजल्ट पास किया? यदि हमारी पार्टी या हमारा गठबंधन सत्ता में आएगा तो हम 370 को फिर वापस ला देंगे, ऐसा किसने नहीं कहा। आप देखिए महंगाई के मुद्दे पर स्टालिन साहब ने अपने पास से जो पावर थी उन्होंने कहा कि मैंने 3 रुपए घटा दिए, ठीक है, अच्छी बात है, लोगों ने एक्सेप्ट किया और ये एक अच्छा प्रहार भी है। लेकिन ये पार्टी एक चीज समझ नहीं पा रही है, कांग्रेस इस बार में बड़ी भ्रमित हो चुकी है कि जो भाजपा का मीडिया का जो मैनेजमेंट कह लीजिए या उनकी एक्टिविटीज कह लीजिए वो इतना फास्ट है कि जब ये सोचते से आगे निकल चुके होते हैं। जैसे कि ऑयल के ऊपर बहुत बड़ी बहस देश में हुई कि बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया, उन्होंने एक बात उठाई कि हम महंगा ऑयल नहीं, हम कर्जा उतार रहे हैं, मनमोहन सिंह जी का दिया हुआ कर्जा उतार रहे हैं ऑयल बोर्ड के रूप में, जो उस टाइम महंगा इस टाइम भी हो सकती है, लेकिन उन्होंने हमें कर्ज देकर चले गए अपनी डेस्टिनेशन का, उस पर कांग्रेस ने कुछ नहीं बोला। पंजाब में भी यही हुआ, पंजाब में ये समझ नहीं आ रहा कि कांग्रेस किधर बटेगी, नवजोत सिद्धू के साथ जाएगी कि कैप्टन अमरिंदर के साथ जाएगी। दूसरा, ऐसी क्या व्यवस्था थी कि पंजाब में यदि कांग्रेस एकजुट होती और एक मुद्दे को पकड़ती, ठीक है हम एमएसपी लागू कर रहे हैं, अब पंजाब में एमएसपी से नीचे कोई भी वस्तु खरीदने पर ये प्रावधान होगा, स्टेट के पास पूरा प्रोविजन है, वो अपना सामान वो बना सकते हैं, लो बना सकते हैं, या हम ये ऐसी फैसिलिटी देने वाले। अब पंजाब में भी तो हो रहा है कि साहब हमको वादा किया था हम आपका ये माफ करेंगे, राजस्थान में क्या था ये माफ करेंगे, और कोविड के जो वैक्सीन की बात करें वो
सभी प्रदेश में इतनी अव्यवस्था है, तो उन्होंने कोई ऐसा बेस्ट मैनेजमेंट प्रोसीजर नहीं दिखाया कहीं पर भी, चाहे बंगाल हो, आज पूरे कोविड की सबसे ज्यादा सिचुएशन जो है केरला में, तो वो क्या है बताएंगे कि साहब हम बेस्ट मैनेजमेंट इससे ज्यादा कर सकते, चलो कोविशील्ड नहीं है बात अलग है, लेकिन जो कोविड वहां एग्जिस्ट कर रहा है उसका मैनेजमेंट में क्यों फेल होगी जो है। दूसरा भ्रष्टाचार की बात उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार कल सुप्रीम कोर्ट को मजबूर होकर कहना पड़ा कि जब उसको सीबीआई को एविडेंस दिए ही नहीं जाएंगे तो जांच क्या करेगी। अब ये शिवसेना के लिए क्वेश्चन है, शरद पवार जी के क्वेश्चन है कि वो अपनी सरकार के मंत्री के लिए सुप्रीम कोर्ट की इतनी बड़ी चिपने के बाद भी कुछ नहीं बोलते हैं, तो मेरे हिसाब से ये भ्रमित विपक्ष है। अब वो आंदोलन का सहारा लेगा, उससे पहले ही मीडिया को पूरा इस तरह से जो है एजुकेट कर देती है अपने यूथ को किसी सोशल मीडिया थ्रू जो है भाजपा, कि उसका कोई महत्व बचता नहीं है। किसान आंदोलन भी वो भ्रमित करके, किसान आंदोलन बहुत अच्छी शुरुआत हुई थी, अच्छे मुद्दों के साथ आई थी, उससे कुछ सहमति बनती, कुछ लेके चले जाते, किसान जीत जाते, फिर वापिस लेने आ जाते, यदि नहीं मिलता तो एक शुरुआत होती। वो हट धर्मिता में बैठ गए, ये भी कोई लोकतंत्र नहीं है। उन लोगों का रोजगार जिनका जिनके पास सामने धरने पर बैठे हैं उन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, तो ये भी कोई लोकतंत्र नहीं है। तो बड़ा कंफ्यूज सा लगता है, मुझे इसमें ऐसे कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं लगती है, क्योंकि हर एक आदमी के अपने अपने इंटरेस्ट होंगे और वो क्षेत्रीय पार्टी अब इतनी पावर में है कि वो कांग्रेस को दबाएंगी, कांग्रेस उनको नहीं दबा सकती। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के अंदर एक द्वंद करना जरूरी है। क्या करेंगे हरियाणा में जाके, उनके पास कौन नेता है इसको लेकर हरियाणा में जाएंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मानते नहीं है, उनके पास अपना कोई नेता है नहीं, तो ऐसी स्थिति हरियाणा में है, ऐसी स्थिति उनके पास राजस्थान में है, ऐसी स्थिति उनके पास पंजाब में। बिल्कुल, कांग्रेस की स्थिति अब ऐसी रही नहीं है कि वो अपने लिए ज्यादा तोलमोल कर ले, उनके अभी हालात वैसे ही चल रहे हैं कि जो जैसा दे रहा है वो वैसा ही पा ले रहे हैं, ज्यादा उनके पास पावर यहाँ पर दिखती नहीं है बची हुई। आरबी उपाध्याय जी, आपका रुख करना चाहेंगे। चलिए, अच्छी बात है कि आप विपक्षी दलों को एकजुट कर रहे हैं, आप एक बड़ा यहाँ पर गठबंधन, महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लड़ाई तो अंत में होती हुई अभी से नजर आ रही है, क्योंकि हर कोई अपने आप को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार समझता है। एक नेता एक पार्टी से ऐसा नहीं है जो ये ना कहे कि नहीं, मैं पीएम पद का उम्मीदवार नहीं हूं। आप देख लीजिए, हर पार्टी से एक ना एक नेता खड़ा हो जाएगा जो सोचता है कि मैं ही अगला प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। आरबी उपाध्याय जी, देखिए पल्लवी, अस्तित्व का सवाल होने लगेगा। सोचते हैं कि भी अकेले तो हम लड़ नहीं पा रहे हैं, चलो सब मिलके ही कोशिश कर लेते हैं, शायद कुछ मिल जाए। और देखिए, जहां तक गठबंधन का प्रश्न है, ये जो गठबंधन है इनका इतिहास अच्छा नहीं रहा है पल्लव। बिल्कुल, जनता ने देखा है कि सत्ता पाने के लिए आप किस तरह से लालायित रहते हैं, गठबंधन करते हैं, और जैसे ही सत्ता मिलती है फिर वही लूट खसूट, और जनता फिर सेकेंडरी लेफ्ट में चली जाती है। किसान आंदोलन की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, भाई आजादी के इतने सालों तक आप सत्ता में रहे तो किसान क्यों आत्महत्या करता रहा, किसान क्यों कर्ज के तले दबा रहा, कभी आपने चिंता नहीं की? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट अक्षरशः लागू कर देते, आप सत्ता में थे, किसी ने रोका नहीं था। तो महंगाई हो, किसान हो, मजदूर हो, ये सब विपक्ष में रहकर ही याद आता है। कल को सत्ता मिल जाएगी तो न प्राथमिकता किसान के लिए है, न मजदूर के लिए है, न महंगाई के लिए है। फिर तो वो एक मुझे शीला दीक्षित का बयान ध्यान आता है कि भाई अगर बिजली यूज करेंगे तो बिल तो देना पड़ेगा। अरे भाई, आमदनी औसतन 5,000 रुपए है, बिजली का बिल 10,000 रुपए आने लगे तो मैं 5,000 रुपए और कहां से लाऊंगा? बिल्कुल बिल्कुल, यानी तब आपको चिंता नहीं होती। आज अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी किसानों के साथ खड़ी दिखती थी, और जब भी कोई किसान आंदोलन होता था तो सबसे पहले राजनाथ सिंह जी और सब पहुंच जाते थे, कहते हम किसानों के साथ हैं। आज क्या हो गया अभी, क्या तराक हो गया किसानों के साथ कि किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है और फुर्सत नहीं है जाने की, बात करने की? मैं मानता हूं कि कुछ गलत है, कुछ सही है, सब कुछ 100% सही नहीं होता। कृषि में रिफॉर्म की जरूरत है, कृषि में पूंजी निवेश की जरूरत है, और उसके लिए कानून तो लाने पड़ेंगे। किसान जो नेता है उनकी भी हठधर्मिता है, और किसान नेता क्या, उनकी अपनी दुकानें हैं, उनके अपने बेनिफिट हैं, वो किसान के बेनिफिट के नहीं लड़ रहे, ये भी किसान बहुत अच्छी तरह जानता है। उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, वो कहाँ थे, कहाँ पहुंच गए, किसान ऊपर से नीचे आता चला जा रहा है,
और किसान नेताओं की पूंजी स्टेटस बढ़ता चला जाए। कैसे किसान नेता हैं? तो ये जो प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, जो एक शून्य उभर रहा है, इस शून्य को भरेगा कौन? प्रश्न वहां आकर खड़ा होता है। विपक्ष एक उम्मीद की किरण देखता है कि भी कांग्रेस है, राष्ट्रीय पार्टी है, इसके साथ लग जाएंगे, शायद एक मजबूत विपक्ष बन जाए। हो सकता है बन भी जाए, लेकिन पल्लवी एक चीज बड़ा क्लियर है, अब बिना हिंदुत्व के आप आज तक जो तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे, वो तुष्टीकरण की राजनीति के दुष्परिणाम था हम सबने देखे हैं। अब संभव नहीं है कि हिंदू को या हिंदुत्व को इग्नोर करके आप सत्ता में आ जाएं, चाहे जितने गठबंधन बना लें आप, कोई गठबंधन कामयाब नहीं होगा। मैं देखता हूं, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है पल्लव जी, मान लो मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, वहां बीएसपी भी कहती है दलित मिल जाएंगे, मुस्लिम मिल जाएंगे, हम सत्ता में पहुंच जाएंगे। समाजवादी पार्टी कहती है यादव मिल जाएंगे और मुस्लिम मिल जाएंगे। यानी जिस तरीके से बांटा गया, फूट डालो राज करो, तो वो दुख देता है। नहीं तो इसी आधार पर तो ओवैसी अब पूरी तरीके से लगे हुए हैं सर। देखिए ना, जगह जगह ओवैसी की तरफ से भी तो अब चुनावों की ताल जो है ठोकी जा रही है। अब उन्हें भी उम्मीद दिखाई दे रही है कि मैं अपना वोट बैंक हासिल कर लूंगा। ये लोकतंत्र के लिए घातक है, देश के लिए घातक है। बिल्कुल। और ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भेजना चाहिए जो हमारे देश में रहकर तालिबान की तारीफ करते हैं और कसीदे पढ़ते हैं उसके, उसमें ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन न लिया गया तो भारत का विनाश सुनिश्चित है। और जनता इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती है, चाहे महंगाई है, चाहे किसान का मुद्दा है, चाहे बेरोजगारी है। क्यों वोट करती है जनता, क्यों बीजेपी को चुनती है जनता? देश है तो हम हैं, राष्ट्र है तो हम हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिना राष्ट्र के हमारा कोई अस्तित्व नहीं। बिल्कुल। और विपक्ष में तुष्टीकरण की राजनीति आज भी जारी है। वही महबूबा मुफ्ती है जो कहती है कश्मीर में झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। वाह, कश्मीरी पंडित जब कश्मीर से विस्थापित हुए, उन पर अत्याचार हुआ, एक शब्द नहीं बोला। और मैं तो आज फिर कहूंगा डंके की चोट पर, क्या संविधान है, क्या व्यवस्था है? अपने ही देश में कश्मीरी पंडितों को आज तक न्याय नहीं मिला है। कश्मीरी पंडित आज भी विस्थापित जीवन जी रहे हैं। शर्म आनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टियों को, राजनीतिक लोगों को, और व्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह कश्मीरी पंडित हैं। कल को दूसरे हिस्सों में देश की अगर यही स्थिति रहेगी, अगर देश अपने नागरिकों को न्याय नहीं दे पाएगा, तो देश पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। वो कैसा देश, वो क्या देश है जो अपने नागरिकों को न्याय नहीं दे पाएगा? अभी मैं सुन रहा था, कल एक डिबेट में बैठा था, एक सज्जन बोल रहे थे भाई अफगानिस्तान के लोगों को भी लाना चाहिए, सिर्फ हिंदू और सिखों को नहीं लाना चाहिए। अरे भाई, जिस समुदाय की आप बात कर रहे हैं, बहुत सारे कंट्री हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी शरण ले सकते हैं। हिंदू और सिख के लिए तो भारत ही है, वो कहां जाएगा? दूसरी जगह जाएगा, काट दिया जाएगा, वहां उसके लिए कोई जगह नहीं है। और उसके बाद चाहे वो सीए का मामला हो, दूसरा मामला हो, कहते हैं अपने देश की, अपने धर्म की, अपने लोगों की बात मत करिए। अरे ये तो अन्याय है। आप शरिया की बात करेंगे, आप शरीयत कानून की बात करेंगे, हम धर्म की बात करें, अपने ही देश में कई बार तो ऐसा लगने लगता है जैसे हम पाकिस्तान में रह रहे हो। क्यों हम अपने धर्म की बात नहीं कर सकते, हम अपने खाने की बात नहीं कर सकते, हम अपने पहनावे की बात नहीं कर सकते? कैसा देश, मैं कौन से देश में रह रहा हूं जहां शरीयत कानून की बढ़ाई हो रही है, जहां तालिबान के लिए कसीदे पढ़े जाते हैं? पाकिस्तान भेज देने इन लोगों को, अफगानिस्तान जहाज खाली जा रहे हैं भेज दिया जाए, बहुत अच्छा है। अगर शासन इतना ही अच्छा है, ऐसे लोगों को भरिए, वहां भेजिए अफगानिस्तान, छोड़ दो ले जाके, जाओ पहुंचो वहां पर रहिए आराम। नहीं, ऐसे लोगों के खिलाफ जब हमारे यहाँ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाता है तो उस पर भी सवाल उठाए जाते हैं। डॉक्टर सिंह, आपने देखा होगा कि कल ओवैसी कह रहे थे
कि आपने भाई रफीकुर रहमान बर्क पर किस आधार पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया, अगर उन्होंने कुछ कहा भी है तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, या लगातार हम देख रहे हैं कि मॉब लिंचिंग के मामले भी सामने आते हैं, आप उसमें तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं करते, ओवैसी ने सवाल उठाए हैं ये। साथ ही उन्होंने एक बात और कही है कि आपको अफगानी महिलाओं की चिंता हो रही है, लेकिन आपको इस बात की चिंता नहीं कि आपके देश में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, रेप के मामले बढ़ रहे हैं, महिला उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं, इस पर आप कुछ नहीं कहते। ये दो बड़े अहम सवाल भी उन्होंने उठाए हैं। इसमें एक चीज और मैं ऐड कर देती हूं, जो लगातार संयुक्त दलों की बैठक हो रही है वो कोशिश कर रहे हैं एक बड़ा गठबंधन बनाने के डॉक्टर सिंह, इससे आम आदमी पार्टी दूर है, इसकी आप क्या वजह मानते हैं डॉक्टर नेपाल सिंह? देखिए पंडित जी, जो सत्ता होती है वो एक मैथमेटिक के ऊपर चलती है, मैथमेटिक में अपनी वोट का परसेंटेज होता जी। कांग्रेस ने जो भी अपनी नीति अपनाई वो शुरू से एक माइनॉरिटी को पीस करने की तरह सिद्धार्थ में बहुत सारी चीजें जोड़ी, और धीरे धीरे बाकी दल बाकी जो जाते थे अक्सली वो आर्थिक एक लाश में लाके एक पार्टी बन गई है अल्पसंख्यक। अब इससे क्या हुआ, मोदी रिजिम आने के बाद में एक नया चेंज आया है, यदि आप पूरे भारत में देखें एक 22% 23% जो हमारे पास अल्पसंख्यक है वो कभी भी इस बात पर बात नहीं करते कि महंगाई कितनी है, सड़क कितनी है, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, नौकरी कैसी है, वो सिर्फ ये कहती है कि हम उसको वोट देंगे जो मोदी और भाजपा को हराए। अब मोदी ने जिसका नया काउंटर निकाला उसने भी एक ऐसी तैयार कर ली है कोच 20-22% 40% की, जो अब वो कहती है कि सर पहले ये इस बात का जवाब दें कि हिंदुस्तानी है कि ये बाहर के लोग, या ये हिंदुस्तान के साथ हमदर्दी रखते हैं कि बाहर जा सकते। अब मुद्दा ना महंगाई बचा है, ना भ्रष्टाचार बचा है, मुद्दा कुछ अब अलग विचारधारा पर चला गया। जैसे तालिबान का युग आया, तालिबान का कुछ मूर्खों ने अपनी रिएक्ट करी तो जो हिंदू फिर थोड़ा निकल हुआ था फिर एग्रेसिव हो गया, वो कहता देखिए ये देश बातचीत करते कभी भी, ये कभी भी देश के साथ जुड़ना नहीं चाहते, ये माँ इतनी महिला के साथ अत्याचार हो रहे, ना उसका जो है वो जलाला कुछ बोलती है, ना उसका सबाना आज कुछ बोलती है, ना जावेद अख्तर कुछ बोलते हैं, और यहाँ छोटी सी बात होती है उसके ऊपर पूरा ऑर्गेनाइज जो है पूरा झंडा उठा दिया जाता है, पूरा उसको उठा जाता है। कश्मीर पंडित के बारे में कभी नहीं मुक्ति बोलती है और वो मुक्ति रह जाके जो है वो गठबंधन की भाग बनती है, और यही मुद्दे जो है भाजपा बहुत साइंटिफिकली टेक्निकली और बहुत एग्रेसिवली लोगों के दिमाग को घुसा देती है। अब हम जब लोगों के दिमाग पर जाकर बैठ जाते हैं तो सोशल मीडिया जो दिमाग बैठ जाता है वो फिर इन सत्यों को इग्नोर करता है, कहता है सबसे पहले अब एक नया मुद्दा चल रहा है जब आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, वो कहते हैं कि जब देश सुरक्षित रहेगा तो ही आपकी संपत्ति नौकरी इज्जत सब बचेगी। महंगाई मुद्दा नहीं छोड़ा है उन्होंने, बोला यदि देश ही सुरक्षित नहीं रहेगा, देश में भी ऐसी ताकतें आ गई जो कल को यहाँ भी तालिबान लागू कर देंगी, शफीकुर रहमान, अब ये शफीकुर रहमान ने कहा वो सांसद हैं, अखिलेश यादव ने उसका खंडन नहीं किया, अखिलेश यादव ने ये भी नहीं कहा कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है, ये कहते नहीं हम इस तरह की बात को सहन नहीं करेंगे, सोनिया गांधी ने ऐसी कोई बात नहीं कही, अब्दुल्ला ने कोई बात नहीं कही, मुफ्ती ने ऐसी कोई बात नहीं कही, ममता जी ने ऐसी कोई बात नहीं कही, तो उससे क्या होता है जो न्यूट्रल वोट है वो कहीं ना कहीं उस तरफ चली जाती है जहां उसको चले जाना चाहिए। अब दूसरी बात है आपका क्या है, आपका भी एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपको भी चुनाव लड़ना है जाकर उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में अभी इतनी मुस्लिम वोट है नहीं जिनको प्लीज कर सके, इसलिए उसका अपना स्ट्रेटजी है कि मैं सीधे थोड़े दिन शांत बैठूं, और शांत बैठने के बाद में पहले चुनाव निकालू, उसके बाद में फिर मैं कहीं मुस्लिम, क्योंकि दिल्ली में तो उसके पास मुस्लिम वोट है, उत्तराखंड में इतनी मुस्लिम वोट नहीं है। सेम इसी स्थिति हमारे यहाँ पे यूपी में है, यूपी में भी यही स्थिति हो रही है, अखिलेश यादव भी आजकल रामलला गोद के लिए घुसते हैं, श्री कृष्ण जी को अपना बताने लगे हैं, जैसे हनुमान जी को बताने लगे थे, क्योंकि उनको लगा कि 20% वोटों के सहारे हम जिंदा नहीं रह सकते, ममता ने भी ये देख लिया था कि उनको भी अपना जब टाइम पड़ा कि मैं तो जो है ब्राह्मण परिवार से आती हूँ, मेरा तो ये धर्म है, मेरी जाति है, तो कहने का मतलब ये है कि जो मुद्दे एक तरफ उठा रहा है विपक्ष और जो एक तरफ वो बिहेव कर रहा है, दोनों में बड़ा फर्क आ रहा है। वो कहीं यदि लोकतंत्र की बात करता है तो कश्मीर में लोकतंत्र की बात करता है, लेकिन वो उन कश्मीर पंडितों के बारे में कुछ नहीं बोलते, ना उसके बारे में कोई रिजोल्यूशन लेके आते। यदि मुफ्ती कल पर रिजोल्यूशन लेके आए कि 370 हटे या न रहे मुझे कोई मतलब नहीं है, स्टेट रूप में मिले न मिले, लेकिन मैं सत्ता में आऊंगी तो पहले सबसे पहले कश्मीर पंडितों को वापस लेके जाऊंगी, मुद्दा बनता है, लोग विश्वास करते हैं, इस पर कोई बात नहीं करता, हर आदमी ने एक को प्लीज करने की कोशिश करी, तो अब बाकी लोग ये सोचते हैं यार एक ही साजिश की पार्टी तो एक को प्लीज करने के लिए लग रही है। तो भाजपा ने बहुत साइंटिफिकली सभी पार्टियों को एक माइनॉरिटी की पार्टी बना दिया और ये इनका एक ये ब्लैक होल में चले गए, वहां से निकलना इनके संभव नहीं हो पाए। शरद पवार की राजनीति है, अब देखिए कोर्ट जो है पल्लवी जी, चाहे वो कॉरपोरेट हो या पॉलिटिकल चीज हो या सोशल चीज हो, वो लीडर को मिले,
हम अंबानी के रिलायंस में हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते, रिलायंस में तो अनिल अंबानी भी है, हम मुकेश अंबानी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम सोशल उसमें जो है अन्ना हजारे में इन्वेस्ट करते हैं, जयप्रकाश नारायण में इन्वेस्ट करते हैं, महात्मा गांधी में इन्वेस्ट करते हैं, और इसी तरह पार्टी में लीडर, आज भाजपा में लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आज भाजपा कुछ नहीं करे, वो योगी और मोदी में बिलीव कर रहे हैं, योगी में लोग कुछ कर रहे हैं, देश में मोदी बिलीव कर रहे हैं। अब उसका सब्स्टिट्यूट क्या होगा, कोई चेहरा तो ऐसा है जिसका चेहरा इतना निष्पक्ष हो, यदि एक ही व्यक्ति ऐसा चेहरा है जो निष्पक्ष हो सकता है, नवीन पटनायक की वो दिल्ली आने के इच्छुक नहीं है, उनकी कथनी और कर्नियों को फर्क नहीं है, सभी दुनिया उनको पसंद करती है, इवन भाजपा के लोग उनको पसंद करते हैं, बाकी कोई परेशान है और कोई कहने से कहने में जाके बैठ चुका है, ओवैसी कुछ बोल देगा, दिग्विजय जी कुछ बोल देंगे, फिर आपके जो है कोई दो पार्टी के लोग और बोल देंगे, और भाजपा को बैठे बैठे मुद्दा मिल जाएगा, काम हो जाएगा। यूपी में स्थिति किसान आंदोलन की वजह थोड़ी सी खराब हुई थी, लेकिन तालिबान के होने के बाद में, शफीकुर रहमान के बयान आने के बाद में, ओवैसी के बयान आने के बाद में फिर स्थिति वहीं की वहीं चली गई। एकदम सही है, और ये यहाँ पर देखने वाली बात है भी कि जिस तरह की राजनीति इस समय देश में हो रही है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक भी है। पहले भी हमने देखा था कि राजनीति होती थी पर बहुत ज्यादा निम्न स्तर पर हम पहुंच गए हैं, और मानसून सत्र के दौरान जो हमने देखा वो तो वाकई में चिंतनीय था कि किस तरीके से हमने पूरा सत्र ही नहीं चलने दिया। जी बताइए, कौन सा लोकतंत्र है? अरे यदि पेगासस जासूसी के कारण में आपको प्रॉब्लम है तो पहले लोकतंत्र में बैठ करिए, लोकतंत्र के मंदिर में बैठ करिए, मान होता तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाए तो सड़कों पर जाइए, लेकिन आप सारे नियम आप ही डिसाइड कर देंगे, सड़क भी आप डिसाइड कर देंगे, पार्लियामेंट भी आप डिसाइड कर देंगे, न्याय भी आप डिसाइड कर देंगे, ऐसे तो लोकतंत्र नहीं होता कहीं, ये तो तालिबान ही हो सकता है, जो मैं कहूंगा वही सही है। बिल्कुल ये बात तो सही है, और वो तो अभी भी इसी बात को कह रहे हैं ना कि हम पेगासस का मुद्दा अभी भी उठाएंगे, आरबी उपाध्याय जी वो इस मसले को अभी भी छोड़ने के मूड में नहीं है, वो कह रहे हैं कि अभी भी उठेगा ये मुद्दा। तो मैं फिर वही कहूंगा कि जब आप सत्ता में होते हैं तब आपकी प्रायोरिटी कुछ अलग होती है, जब आप विपक्ष में होते हैं तो आपकी प्रायोरिटी कुछ अलग होती है। आज आप कैसे कह सकते हैं कि भी संसद न चलने देना देश का नुकसान है? उसी संसद में कहा गया कि संसद न चलने देना भी कई बार देश हित में होता है, शायद नेपाल सिंह जी को याद होगा, भरी संसद में यह कहा गया। और आज पहले अगर वो पाप था तो आज पुण्य कैसे हो गया? तो हमें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी, हमें आधार बनाना होगा, दूसरे के लिए मिसाल पेश करनी होगी। मान लीजिए आप बात करते हैं भ्रष्टाचार की, मॉब लिंचिंग की बात करते हैं, मॉब लिंचिंग एक व्यक्ति के साथ अगर कोई अन्याय हो गया तो वो मॉब लिंचिंग है, उसके लिए मीडिया हल्ला मचाएगा, पॉलिटिकल पार्टियां हल्ला मचाएंगी। अरे यहां तो मास लेवल पर कश्मीर में हुआ है, पूरी एक कौम के साथ हुआ है, उस पर आप चुप रहेंगे, उस पर न ओवैसी जी बोलेंगे न विपक्षी दल बोलेंगे। दर्द होता है, पीड़ा होती है जब आप पिक एंड चूज राजनीति करते हैं, एक तरफ देश की बात करते हैं, नागरिकों की बात करते हैं, और एक तरफ एक व्यक्ति की चिंता आप करते हैं और पूरे समुदाय की चिंता आप नहीं करते। बिल्कुल। दूसरी बात कि जाति और धर्म पर राजनीति बहुत हो चुकी है, अब ये सब खत्म होना चाहिए। हम भारतीय हैं, यही मेरा धर्म है, हम हिंदुस्तानी हैं, यही मेरी जाति होनी चाहिए। जब तक हम इस पर बैन नहीं लगाएंगे तब तक इस्लाम का धर्म है और हमारा शरिया कानून है, ये संविधान किस लिए है भाई? अगर सब कुछ वो बाइबली और आपकी आयत और आपका वो ग्रंथ ही है तो फिर संविधान बनाना बेकार था। सबको संविधान मानना होगा, संविधानी धर्म होगा और संविधान के अनुसार कर्म होगा हमारा, वो निहायत जरूरी है। और भ्रष्टाचार और राजनीति एक दूसरे के पूरक हैं। नेपाल जी करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, कहां से लाते हैं पॉलिटिशियन? क्या इनके पेरेंट्स जमा करके जाते हैं किसी बैंक खाते में कि 5 करोड़ की टिकट खरीदना, 10 करोड़ इलेक्शन में खर्च करना, 15 करोड़ रुपए कहां से आते हैं? और राजनीति का जो व्यवसायीकरण हुआ, जो अपराधीकरण हुआ, वो इसीलिए हुआ, पैसे का बोलबाला राजनीति में है। छोटी मोटी जो 4 दुकानें हैं वहीं से सामान खरीदना है, एक अपना एक टिकट बेच रहा है 5 लाख रुपए में, एक 50 लाख ले रहा है, ये जो छुपी नहीं है बातें, अब ये पब्लिक डोमेन में है। कहने को सब कहते हैं, अगर पॉलिटिकल पार्टियां इतनी ईमानदार आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं आ जाती, क्यों नहीं चंदे की पारदर्शिता रखती? नहीं रखेंगे। इलेक्शन कमीशन को भी जता बताएंगे कि 2 लाख का आपने
समय सीमा निर्धारित की, हम 20 लाख खर्च करेंगे, तो फिर भ्रष्टाचार करेंगे आप। और जब पूंजीपतियों से आप चंदा लेंगे तो फिर उनका आपको हित भी साधना पड़ेगा। बिल्कुल। और विडंबना यही है कि किसान के पास पॉलिटिकल पार्टी को देने के लिए चंदा नहीं है, वो वोट तो है, वो वोट बैंक तो है, वो वोट तो करता है, वो सरकारें तो बनाता है, वोट की नहीं, नोट की कीमत है वह। पूंजीपति पैसा देता है, अनाप शनाप पैसा लगाता है पॉलिटिकल पार्टियों, और वो सबको देता है, जो सत्ता पक्ष उसको ज्यादा देगा, विपक्ष है उसको कम देगा, तो फिर उसकी आप बुराई नहीं कर पाते। जो नहीं देते हैं वो टारगेट किए जाते हैं, और विपक्ष को पैसा इसीलिए देती है जो औद्योगिक घराने हैं कि उनको टारगेट न किया जाए, उन्हें सुरक्षा कवच बना रहे। तो ये चीजें पब्लिक डोमेन में आ चुकी है, अब किसी से छुपी नहीं है पल्लवी, व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। व्यवस्था परिवर्तन की नियत किसके पास है, ये बड़ा सवाल है कि कौन करेगा ये व्यवस्था परिवर्तन। और नियत कैसे होगी पल्लवी, आपका आचार पेंशन लेंगे, आपका महंगाई भत्ता बढ़ जाएगा, आम आदमी भूखा मरेगा, क्या होगा? आप करोड़ों रुपए के सूट पहनेंगे, आम आदमी के सर पर कपड़ा नहीं होगा। इस तरह व्यवस्था परिवर्तन की नियत तो कभी आएगी नहीं, क्योंकि सब, अरे गरीब की सत्ता में भागीदारी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, गरीब को कोई टिकट नहीं देता है, जब टिकट देंगे पूंजीपति चाहिए, बाहुबली चाहिए, गुंडे बदमाश चाहिए, उनको टिकट देंगे आप, और वो जीतकर संसद में पहुंचेंगे। विडंबना है इस देश की, और देश को अगर सुपर पावर बनाना है, आगे ले जाना है, तो गरीब की, किसान की, मजदूर की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी, और वो इलेक्शन रिफॉर्म कि जहां ये सुनिश्चित हो सके, एक भीख में मांगने वाला व्यक्ति भी जिस दिन इलेक्शन लड़ पाएगा, जिस दिन उसकी सत्ता में भागीदारी होगी, असली लोकतंत्र और मजबूत लोकतंत्र उस दिन आएगा। ये पूंजीपति, चंद पूंजीपति, आप देखिए कोई अरबपति है, कोई करोड़पति है, कोई करोड़पति है, क्या गरीबों का कोई नुमाइंदा है? सही बात है। उस अनुपात में, जिस अनुपात में गरीब इस देश में रहता है, जिस अनुपात में किसान इस देश में रहता है, जय जवान जय किसान बात तो बहुत होती है। सत्ता, वही आपकी बात एकदम सही है सर, व्यवस्था परिवर्तन की नियत नहीं है, क्योंकि अगर व्यवस्था परिवर्तन की नियत ये लोग ले आएंगे तो इनके खुद के हित नहीं सध पाएंगे, इसलिए ये संभव होना बड़ा मुश्किल अब इस देश में नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ अब व्यवस्थाएं बन गई हैं और वो इसी तरीके से चलती रहेंगी। फिलहाल में उसमें इनको फायदा है, अपना साधने के लिए इसी तरीके से इसे चलाते रहेंगे, और लोगों को अपने वोट बैंक के हिसाब से ही ट्रीट किया जाएगा। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तमाम चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि अब सोनिया गांधी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि विपक्षी दलों का एक गठबंधन यहां पर तैयार कर लिया जाए, ताकि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एक मजबूत ऑप्शन, एक मजबूत विकल्प देश की जनता को मिल सके। हालांकि ये सोनिया गांधी की मंशा कितनी सफल हो पाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि बहुत यहाँ पर देखने में आ रहा है कि ऊंच नीच काफ़ी ज़्यादा है, सामंजस्य की कमी है, आपसी समन्वय की कमी है। और बात अगर कांग्रेस पार्टी की कर ले तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी ही अलग अलग भागों में नजर आ रही है। ऐसे में ज़रूरत पहले तो ये नज़र आती है कि आप अपनी पार्टी को एकजुट करें, उसके बाद ये कोशिश करें कि आप तमाम विपक्षी दलों को इकट्ठा यहाँ पर कर पाएं। एक बार फिर से हम आपको प्रतिक्रिया सुना देते हैं नेताओं की, सोनिया गांधी की बैठक पर जो कुछ भी प्रतिक्रिया नेताओं की तरफ से आई, एक बार फिर से एएनबी न्यूज आपको वो प्रतिक्रियाएं सुना देता है। कि एकता अखंडता को ही बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं, कर चुके हैं और तेज कर रहे हैं, तो इसका मुकाबला करना है। जनता के सामने जो समस्याएं हैं, कोविड का मिसमैनेजमेंट और वैक्सीनेशन की अभाव, बहुत सुना हमने वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, लेकिन अब देख ही रहे हो आप, अगर ये वैक्सीनेशन नहीं होगा तो जो टारगेट जो आपने किया कि सभी एडल्ट जो है 18 साल की उम्र के से ऊपर सभी को, इस पे फोकस ज्यादा करना चाहिए कि कितनी पार्टी साथ में जुड़कर एकजुट होकर एक मीटिंग अटेंड करी है, जैसे वो ब्रेकफास्ट मीटिंग की भी पहल हुई थी, तो ये बहुत स्पष्ट होता जा रहा है कि केंद्र सरकार का जो अहंकार है, जिस तरीके से वो कोई मुद्दों पे बहस नहीं करना चाहते हैं, माय वे और द हाईवे अपनाते हैं, तो ऑपोजिशन को डेमोक्रेसी के लिए, प्रजातंत्र के लिए और संविधान को संभालने के लिए और उसकी देखरेख करने के लिए एकजुट होना जरूरी है, और एक अम्ब्रेला में आकर कॉमन मुद्दों को जनता के सामने लाना बहुत जरूरी है।
माना जा रहा है कि इस मीटिंग का चुनाव और आने वाले राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं उनकी रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है। मैं मानती हूं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है 2024 तो अभी दूर है, जनता के साथ रोज वार हो रहा है, गरीबी को लेकर हो, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर हो, अर्थव्यवस्था को लेकर हो, हमने देखा नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे हो, किसानों के मुद्दे हो, कोविड मिसमैनेजमेंट का मुद्दा हो, वैक्सीन शॉर्टेज का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे अहम हैं, पर सरकार इस पे किसी तरीके की बहस नहीं होने दे रही है, पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर हो। तो और प्राइस राइज जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है, फ्यूल प्राइस राइज, जहां पे निर्मला सीतारमन जी ने भी आकर अजीब गरीब बयानबाजी की है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, तो जनता के बीच पे अपनी आवाज रखना, जनता की आवाज बनकर उसको उठाना, ये विपक्ष की जिम्मेदारी होती है। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, इम्पोर्टेंट ये है कि जनता की आवाज कहीं दबनी नहीं चाहिए। तालिबान असदुद्दीन ओवैसी ने कमेंट किया है सरकार पर, उन्होंने कहा है कि हमारे देश में 5 साल से नीचे की 9 में से 1 लड़की के साथ एट्रोसिटी का शिकार होती है, लेकिन आपको चिंता तालिबान की, अफगानिस्तान की। मैं हैरान हूँ इस तरीके के कमेंट से। तालिबान महिलाओं के खिलाफ ही नहीं है, वो डेमोक्रेसी के खिलाफ है, वो टेररिज्म को आगे बढ़ाता है, उनके हाथ कितनी सारी चीजों में जो टेरर एक्टिविटीज की गतिविधियां होती हैं उसको प्रमोट करने में लगा है। लोगों देखिए, सोच एक सा रहे, सब लोग चिंताएं सबकी एक सी है। पहली बार एक दस्तावेज के साथ जो देश की जनता की हर तरह की, किसान है, मजदूर है, रोजगार, बेरोजगार, यानी धंधा पानी, इकोनॉमी, इस सब की एक साथ जो हालात है उस पर सबने अपने अपने तरीके से अपनी बात को रखा। शरद पवार जी ने, ममता जी ने, शरद पवार के बाद ममता जी ने, कोई नेता नहीं था जिसने अपने तरीके से जो समस्या है सब तरह की उनको उठाने का काम नहीं किया है। कश्मीर का सवाल एक तरह से जो हमारी फ्रीडम मूवमेंट के लोग थे, आजादी की लड़ाई के लोग थे, उन्होंने जो कश्मीर बनाया था उसे आगे बढ़ाना था, उसे पीछे कर दिया गया है। सर, कश्मीर के मुद्दे पे किस नेता ने क्या कहा? वो मुफ्ती मोहम्मद ने, कि महबूबा मुफ्ती ने कहा कि शेर लोग बात करते हैं तो देर रखते हैं, पर हम लोग यदि तालिबान या पाकिस्तान के किसी आदमी से बात करते हैं तो हमको एंटी नेशन कहते हैं। और एक तरह से कोई मुद्दा नहीं था ये जो। और चलिए इस समय दो और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं इसी मसले पर चर्चा करने के लिए। आलोक वत्स जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, और इनके अलावा अमित आवरे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। आलोक जी, शुरुआत आपके साथ कर लेते हैं। बड़ी अहम बैठक बुलाई गई सोनिया गांधी की तरफ से एक दिन पहले, और बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है, और एक बार फिर से ये डिसाइड किया गया है, निर्णय लिया गया है कि 20 से 30 सितंबर के बीच कांग्रेस पार्टी आपकी नीतियों के खिलाफ पूरे देश भर में प्रदर्शन करेगी। आपकी प्रतिक्रिया मैं इस पर जानना चाहती हूं कि आप तैयार हैं कि आपकी जो नीतियां हैं अब वो देश के सामने आने वाली हैं और उनके खिलाफ लोगों को एकजुट करने का प्रयास कांग्रेस कर रही है। हमारी नीति पहले से ही देश के सामने प्रदर्शित है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से प्रगति के हम नए नए झंडे गाड़े जा रहे हैं वो पूरे देश के सामने है, और जब भी कोई नया चुनाव कहीं हो रहा है तो वहां हमें सफलता, अभूतपूर्व सफलता हासिल हो रही है। इसका मतलब है जनमत का विश्वास हमारे साथ बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा। ठीक है, अमित आवरे जी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। सर, मेरा सवाल आपसे यह है कि आप कोशिश कर रहे हैं कि तमाम विपक्षी दलों को आप एकजुट कर लें और एक अच्छा गठबंधन यहाँ पर तैयार कर लें, लेकिन क्या अभी आपको जरूरत ये महसूस नहीं होती कि आप अपनी पार्टी को फिलहाल एकजुट करके रख लें, क्योंकि अलग अलग स्वर जो है वो उठते ही रहते हैं, तो ऐसे में ज्यादा जरूरत किस बात की है अभी? देखिए, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अभी जो चुनाव हो रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हो रही है, तो अभी देखिए पश्चिम बंगाल में पूरे देश के इनके नेता, केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री, भाजपा अध्यक्ष, गृह मंत्री, सारे प्रदेशों के मंत्री लगे, उसके बाद भी किस तरीके से इनको धूल चटाई है वहाँ जनता ने, ये सब देख रहे हैं। और उसके पहले आप देखें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में क्या दुर्गति इनकी हुई ये भी आपने देखा,
अब हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और जनता ने 60 साल हमको सेवा करने का मौका दिया है। आज़ादी की लड़ाई से लेकर अब तक जनता के हर मोड़ पर हम साथ रहे, तो सबसे ज़्यादा नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कांग्रेस पार्टी की। और जब देश में ऐसे हालात हों, मुझे लगता है कि कभी देश में इस तरीके की बसें इंतजामी जो है नहीं देखी गई। कोरोना की बात हम कर लें, कोरोना के बाद जो बेरोजगारी आई हम उसकी बात कर लें, महंगाई की बात हम कर लें, दुनिया के जितने देश भी हैं कोरोना के बाद लोगों वहाँ की सरकारों ने अपने देश के नागरिकों को राहतें दी हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो हर दिन जो है वो टैक्स बढ़ाया जा रहा है, रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं। तो ये जब इस स्थिति में देश की जनता आ गई है कि लोगों के दो वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, तो अब बहुत इंतजार कर लिया है लोगों ने, और एक मजबूत विपक्ष होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो समान विचारधारा के जो दल हैं उन सभी को एक साथ आना चाहिए, और वो सभी आ रहे हैं। और आप देखिए कि इनके जो पुराने साथी हैं सब इनसे सब पिटक गए हैं, चाहे हम अकाली दल की हम बात करें, हम शिवसेना की बात करें, सब इनसे दूर हो गए हैं, लेकिन क्योंकि कांग्रेस इस देश की पुरानी पार्टी है, सबका इसमें विश्वास है, सभी लोग साथ आएंगे, निश्चित तौर पर एक सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेगा। ये बात मुझे थोड़ी सी अजीब लगी आपकी कि समान विचारधारा वाली सारी पार्टियां एक साथ आ रही हैं, जितनी पार्टियां भी आपके साथ आ रही हैं उनमें से मुझे नहीं लगता कि किसी की एक जैसी विचारधारा है भी, सबका अपना अपना राजनीतिक हित यहां पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। अमित जी, मैं लौटूंगी आपके पास, आलोक वत्स जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए आलोक जी। मेरे भाई ने जो कहा कि ये समान विचारधारा के लोग हैं जी, क्या कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट और कांग्रेस का मैनिफेस्टो और उनकी पॉलिसी और नीति एक है? क्या इनका शरद पवार जी के पार्टी के साथ इनका समान विचारधारा है? बिल्कुल। क्या ममता जी के साथ इनका, तो उनके विपरीत ये चुनाव क्यों लड़े थे उनके खिलाफ? जब सेम विचारधारा के थे तो एक दूसरे में मर्ज कर जाते, ये बेतुकी बातें हैं। 77 का भी इतिहास देश ने भूला नहीं है अभी तक। ये पार्टियां कमजोर पड़ गई है, अलग थलग पड़ गई है और असहाय हो गई है, तो ये सहारा ढूंढ रही है कि किसी तरीके से गठरी को इकट्ठा किया जाए। ये चलने वाला नहीं है। इनका नेता कौन होगा, कौन होगा विपक्ष का चेहरा, ये पहले उसको प्रदर्शित करें। इनके पास वो ताकत नहीं है कि मोदी जी के नेतृत्व को चुनौती दे सके। एक घोटाला नहीं हुआ अभी तक हमारे राज्य में, और इनके इनका इतिहास घोटालों से भरा हुआ है। ये क्या बात करेंगे देश को चलाने की? आज किस स्थिति में कांग्रेस है? जिन मुद्दों को वो देश की जनता के बीच में लाना चाह रहे हैं वो गलत कहां पर है सर? आलोक जी, अगर वो महंगाई के मसले पर बात कर रहे हैं तो आप ये तो नहीं कह सकते कि महंगाई नहीं है हमारे देश में? अभी अभी देश जूझ रहा है, कोरोना काल से भी पूरी तरीके से ग्रसित था और अभी उससे निकलने की कोशिश कर रहा है। इसमें प्रदर्शन करना ये कोरोना के नियमों के विरुद्ध होगा। अच्छा, आप जन आशीर्वाद यात्रा कर सकते हैं लेकिन वो प्रदर्शन नहीं कर सकते, ये कैसी बात हुई? जन आशीर्वाद यात्रा अगर ये सारे विपक्ष के लोग मिलकर करने जा रहे हैं, क्या ये कोरोना के प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे? क्या जन आशीर्वाद यात्रा में कोरोना को प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है? हम देख रहे हैं किस तरह की भीड़ उमड़ रही है। एक तस्वीर ऐसे बता दीजिए जहां 2 गज की दूरी पर आपके कार्यकर्ता और नेता खड़े हों। ये उत्साह में अगर कोई आदमी 2 कदम आगे बढ़ जाता है ऐसा है सर, आपकी अच्छाई के लिए आपकी चीजों के लिए नियम नहीं बदल सकते कि उत्साह में अगर आप इकट्ठे हो गए तो आपको कोरोना नहीं होगा, और अगर वो अपनी जनता की बातों को लेकर प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं तो कोरोना हो जाएगा, तो कोरोना फैल जाएगा। ये किस तरह की बेतुकी बात हुई आलोक जी? हम कहां मना कर रहे हैं इनको प्रदर्शन करने से? अभी आप ही बोल रहे थे कि कोरोना के इस काल में ये उतर रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए, निमंत्रण नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अभी अभी हम लोग को सुई लगाने पर ध्यान देना चाहिए, अभी कोरोना से बचाव पर ध्यान देना चाहिए। आप भी जन आशीर्वाद यात्राएं अभी रद्द कर दीजिए और सभी घर में बैठिए, वहीं सर वहीं से आप वर्चुअली अपनी यात्राएं कीजिए जो भी करना है आपको। आपको लग रहा है कि आपकी जन आशीर्वाद यात्राओं से कोरोना नहीं फैलेगा क्योंकि वहां उत्साह में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ये कैसी बात हुई आलोक जी? और अगर वो महंगाई के मसले को उठाना चाह रहे हैं, आपने भी तो उठाया था जब इनके राज में महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, चरम सीमा पर पहुंच रही थी, तब आप भी इसी तरीके से सड़कों पर उतरे थे, अब उनकी बारी है। काम है पोजीशन में रहते हुए एक्सपोज डिपोज एंड प्रपोज, ये हमारा मूल मंत्र है और ये किसी भी विपक्ष का मूल मंत्र होना चाहिए। पर ये असहाय ये कमजोर लोग हैं, इनसे ये बात नहीं हो पाएगी।
ये सब 19 दल इकट्ठे हुए हैं या 19 दल का समान विचारधारा है, सेम मैनिफेस्टो पे काम करेंगे, कौन होगा इनका नेता? ये उन्हें डिसाइड कर लेने दीजिए, ये उन्हें निश्चित कर लेने दीजिए। अमित तावड़े, डिसाइड हो ही नहीं पाएगा, किसी भी कीमत पर नहीं हो पाएगा। एक दूसरे का टांग खींचेंगे। 77 भूला नहीं है ये देश, 77 में भी विपक्ष इकट्ठा हुआ था और क्या हासिल हुआ? 2.5 साल भी सरकार नहीं चल पाई। ठीक है, अमित तावड़े जी, देखिए ये बौखलाए हुए हैं क्योंकि इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है बात करने का और आपकी बातों का जवाब ये दे नहीं पा रहे हैं। हम तो वही बात कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं। महंगाई की वो लगातार बात कर रहे हैं, वो विदेश नीति की आलोचना करते हैं, रोज वो सरकार की आलोचना करते हैं, लेकिन ये लोग अपने ही सांसद की बात का जवाब नहीं देते हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जनादेश जनादेश जनादेश। अरे भाई थोड़ा इतिहास को पढ़ो। राजीव जी के जमाने में, इंदिरा जी के जमाने में जो 5 सबसे बड़े जनादेश इस देश की जनता ने कांग्रेस को दिए हैं, अभी आप उसके आसपास भी नहीं भटक रहे हो। और पहली बार जो आपको ये जनादेश स्पष्ट मिला है, अब उसी को आप खोते नजर आ रहे हो। जनता में हाहाकार मच गया है, जनता को ये समझ आ चुका है कि उनसे कितनी भारी गलती हो चुकी है। क्योंकि जिन नारों को लेकर आप आए थे, बहुत ही महंगाई की मार अच्छी बार मोदी सरकार, पेट्रोल डीजल की मार बहुत ही मोदी सरकार, अब कहाँ गए वो नारे, कहाँ गया काला धन? भैया कुछ तो बता दो, 2 करोड़ रोजगार की बात बता दो। हाँ, सारे जो जो बातें आपने की थी उन सब में आप मुकर गए। देश का किसान जो 2 वक्त का आपका और हमारा पेट भर रहा है, आज वो सड़क पर बैठा हुआ है। प्रधानमंत्री जी को इतनी फुर्सत नहीं कुछ किलोमीटर दूर जाकर उनसे बात करने। अभी मैंने देखा, हाल फिलहाल पूरे देश ने देखा कि हाल फिलहाल में जितने भी राज्यों में चुनाव हुए वहां पर आपने कितना वोट बैंक हासिल कर लिया, आपको कहां कितनी सीटें मिली। अगर आप लोग इन बातों को इतना अच्छे से रखना चाहते हैं तो आप रख क्यों नहीं पा रहे हैं? जनता से जुड़े मुद्दे आप जनता तक ही नहीं पहुंचा पा रहे। अमित तावड़े जी, देखिए क्या राजस्थान में जनता ने हमको आशीर्वाद नहीं दिया, क्या छत्तीसगढ़ में नहीं दिया? चलिए मैं इन्हीं राज्यों की बात कर लेती हूँ। राजस्थान, जहाँ सत्ता परिवर्तन की जो परंपरा है सालों से चली आ रही है, ये आप भी जानते हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ के लिए आपको बधाई कि छत्तीसगढ़ में आपने सरकार बना ली। झारखंड में तो आप किसी और के सहारे चले गए, महाराष्ट्र में तो आप किसी और के सहारे चले गए, मध्य प्रदेश में जैसे तैसे आए, अब वहां पर भी आप नहीं बचे। तो आप ये बताइए कि आप लोग क्यों कुछ नहीं कर पा रहे? आप इन बातों को जनता तक पहुंचा क्यों नहीं पा रहे? जनता क्यों विश्वास नहीं कर पा रही कांग्रेस पर? सकारात्मक विपक्ष होने के नाते जितना साथ हमको सरकार का देना चाहिए था वो हमने दिया है, लेकिन अब पानी जो है वो सबसे ऊपर। ओबीसी के अलावा ऐसा कौन सा मुद्दा था जिस पर आपने सरकार का साथ दिया, बताइए? अभी मानसून सत्र में ओबीसी बिल आया, उसके अलावा एक मुद्दा मुझे ऐसा बता दीजिए जहाँ विपक्ष ने साथ दे दिया हो सरकार का। किन मुद्दों पर देना चाहिए? क्या महंगाई पे साथ दें? क्या पेट्रोल डीजल बढ़ाने पर साथ दें? जब लॉकडाउन लगा दिया था तो आपको दिक्कत थी, लॉकडाउन नहीं लगाया तो आपको दिक्कत थी, कोरोना के मसले पर तो आप साथ नहीं दे पाए, मानसून सत्र तो आपने नहीं चलने दिया, हंगामा तो आपने किया, सब कुछ तो आप करते रहे, ओबीसी के मसले पर आप साथ आ गए, बाकी किसी मसले पर आप साथ नहीं आए, ऐसा क्यों? क्या पेगासस के मुद्दे पर चर्चा सरकार को नहीं करना चाहिए? क्या किसानों के मुद्दे पर सरकार को जवाब नहीं देना चाहिए? भाई सरकार ये सब भूल रही है कि ये लोग सत्ता में आ चुके हैं, अब ये विपक्ष में नहीं है। जवाब देने की जिम्मेदारी इनकी है और सवाल पूछने की जिम्मेदारी हमारी है, और जब ये संसद में इन बातों का जवाब नहीं देंगे तो निश्चित तौर पर सड़क पर जाने की हमारी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि जनता ने हमको विपक्ष के रूप में जिम्मेदारी दी है और उसका पालन हम करेंगे। बताइए आलोक वत्स जी। अलवी जी, कांग्रेस ने जो किया पार्लियामेंट में, एक दिन संसद नहीं चलने दिया, 133 करोड़ प्रति घंटा के हिसाब से जो देश का आर्थिक नुकसान इन्होंने कराया वो पूरे देश ने देखा है। और लगातार मोदी जी कहते रहे आपको तीखी से तीखी आलोचना करनी है कीजिए, पर हमें भी अपना पक्ष रखने का मौका दीजिए। इन्होंने हमको अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया, ये भी पूरे देश ने देखा है। और ये किसान की बात कर रहे हैं, ये मुट्ठी भर लोग जो वहां बैठे हुए हैं 5-स्टार ट्रीटमेंट लेकर, उनको उनको ये पूरे देश का प्रतिनिधित्व कराने वाले बोलते हैं। आज देश में अगर किसान आंदोलन कर रहा होता तो अन्न की कमी हो जाती, अभूतपूर्व प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे गेहूं का हो या चावल का हो। और लगातार हमारे कृषि मंत्री भी बयान देते हैं कि आइए आप
हमारे यहाँ मीटिंग के लिए, आइए हमारे साथ वार्ता कीजिए। लेकिन इनकी वार्ता किसी लड़की के यहाँ बारात लेकर जाएंगे और कहेंगे कि मेरे से शादी कर नहीं तो मैं बारात लेकर वापिस चला जाऊंगा, इस तरीके के वार्ता से वार्ता नहीं बनती है। कुछ आप देंगे कुछ हम देंगे तब वार्ता बनती है, ये वार्ता के लिए तैयारी नहीं है। इनका कहना है कि जो हम कह रहे हैं उसको मान लो तभी वार्ता होगी और सफल वार्ता होगी, नहीं तो कोई वार्ता नहीं होगी। ऐसे में कहीं वार्ता होती है? चले, अगर इनके अंदर दम है तो चले फील्ड में, आए जनता के पास, इनको इनका सबक जनता देगी, हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम तो दिन रात देश की तरक्की में आगे बढ़ने के लिए है। ये तमाम मसले लेकर वो जनता के सामने जाने वाले हैं सर, वो उठाएंगे जोर शोर से, प्रदर्शन अब किए जाएंगे 20 तारीख से। ताल ठोक कर हम इनको चुनौती देते हैं कि आए जनता के सामने, जनता ने इनको सबक सिखाया है सभी जगह, जनता ने इनसे सत्ता छीन के मोदी जी के हाथों में दिया है। उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, उन चुनावों के बीच ये तमाम मुद्दे उठाएंगे। किसान आंदोलन का मसला अभी भी गर्म है, ऐसा नहीं है कि वो मसला ठंडा हो गया है। आपके विधायक को किस तरीके से घेरा गया, किस तरह की हरकतें हुई हैं वो भी आपने देखा है, तो आपको लग रहा है कि इतनी आसानी से विपक्ष मान जाएगा और जनता इतनी आसानी से मान लेगी कि हाँ जो भी है सब यही है? आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से कोरोना संकट से हमने जूझा है और जिस तरीके से उसको पूरे देश में सबसे अव्वल राज्य घोषित किया गया है कोरोना से निपटने के मामले में, और रही बात कि वहां लूट है, गुंडागर्दी, बलात्कार, ये सब अब बीते जमाने की चीजें हो गई। 150-200 एकड़ जमीन, हजारों करोड़ की कीमत का माफियाओं के चंगुल से मुक्त कराने का काम आदरणीय योगी जी ने किया है, ये कहीं भी पूरे देश में नहीं हुआ। और महिलाओं का जितना सम्मान और जितना निर्भय वातावरण हमने वहां पैदा किया है, इसके लिए योगी जी कोटि-कोटि बधाई के पात्र हैं। अमित आवड़े जी, ये विरोध प्रदर्शन का दौर क्या 5 राज्यों के चुनावों को देखते हुए शुरू किया जा रहा है? ऑस्ट्रेलियन एमपी ने कहा कि काश हमें योगी जी जैसा एक आदमी मिल जाए तो हमारे यहाँ भी संकट नहीं होगा कोरोना का। क्या बात कर रहे हैं, देश विदेश से वाहवाही मिल रही है उनको। चलिए ठीक है, अमित आवड़े जी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। मैं पूछना चाह रही हूँ सर, ये जो अभी विरोध प्रदर्शन का दौर आप लोग शुरू करने जा रहे हैं 5 राज्यों के चुनावों को देखते हुए किए जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी निराशा की बात यह है कि आपके जैसे प्रतिष्ठित चैनल पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरीके से झूठ परोसते हैं, या आप और हम ये देख रहे हैं। ये लोग बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जैसे कि राम राज्य आ गया हो, महिला अपराध की बात करें, अपहरण की बात करें, बलात्कार की बात करें, ये बोल रहे हैं बीते जमाने की बात हो गई है। मुझे लगता है कि इनको यदि रिकॉर्ड दिखाया जाए तो आज से लेके कल तक 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे यदि मैं बलात्कार की उत्तर प्रदेश में बात करूं। तो आप देखिए कि जो स्थितियां कोरोना में उत्तर प्रदेश में हुई हैं, हमने लाशों को किस तरीके से बहते हुए देखा है वहां पर, ये पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश ने हमको शर्मसार किया है। और अभी भी ये लोग उलझे हुए हैं किस चीज़ में, योगी जी के नेतृत्व में चुनाव होना है या शर्मा जी के नेतृत्व में चुनाव होना है। मोदी जी चाहते हैं दिल्ली से किसी अपने अधिकारी को भेज देते हैं, वहां पे योगी जी अड़ जाते हैं कि उनको डिप्टी सीएम नहीं बनाएंगे, फिर उनको प्रदेश का उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। उनको जनता की सेवा से कोई सरोकार नहीं। और उत्तर प्रदेश में जो कोरोना में अव्यवस्थाएं देखी गई हैं, वो मुझे लगता है कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा निराशाजनक कहीं सरकारी सिस्टम फेल हुआ है तो वो उत्तर प्रदेश में फेल हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं, ये कितना भी झूठ बोल लें, ये कितना कुछ भी कर लें, जनता ने मन बना दिया है उत्तर प्रदेश में योगी जी को घर बिठाने का। इनके विधायकों के कपड़े फाड़ रहे हैं लोग, पिटाई करने को आतुर हैं। आप सोचिए कि लोगों का गुस्सा किस स्तर पर जा चुका है। आप देखिएगा जब परिणाम आएंगे उत्तर प्रदेश में तो इनसे, इनके आगे से ज्यादा प्रत्याशियों की जमानतें जब्त होंगी। क्या मान रहे हैं, यूपी में परिणाम किसके पक्ष में आने की उम्मीद है? क्या ऐसा मान लिया जाए प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आने वाली है इस बार? आ रही हूँ आलोक जी, एक मिनट दे दीजिए बस। लोकतंत्र में जनता जनार्दन है और जनता किसी सभी की है, बहुत समझदार हो चुकी है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने अपना विश्वास दिया था, अपना मत दिया था, लोगों की जो अपेक्षाएं थी वो कुछ भी
भी पूरी नहीं हुई है। केंद्र की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में आप देखिए बेरोजगारी की क्या स्थिति है, अपराध की क्या स्थिति है। तो कहीं ना कहीं जो भी एक एक उम्मीद के साथ परिवर्तन करती है जनता, वो परिवर्तन जो उम्मीद के लिए किया गया था उसमें लगातार निराशा प्राप्त हुई है, और उस निराशा को जनता को जो धोखा दिया है इन लोगों ने, वो जनता आतुर बैठी है कि कब चुनाव आए और कब भारतीय जनता पार्टी को जो है सत्ता से बेदखल किया। ठीक है, आलोक वत्स जी आखिरी कमेंट आपका। ठीक है, मैं इनकी बात मानता हूँ। अगर 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 कांग्रेस इतनी मजबूत स्थिति में अपने को देख रही है उत्तर प्रदेश में, तो 19 आदमियों को जुटाने की क्या जरूरत है। आ जाए खुद ही ताल ठोक कर मैदान में। और रही बात लोकतंत्र का की हत्या हो रही है योगी राज में, अरे भैया कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है क्या? पहले अपना लोकतंत्र तो ठीक कर लो। पांच पुश से एक ही परिवार को ढोते आ रहे हो अपने लीडर के तौर पे, ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है। नीचे से नीचे का आदमी उठ के अध्यक्ष पद को सुशोभित करता है। नड्डा जी किस बड़े परिवार से आते हैं? ये ऐसी बातें ना करें, पहले अपने यहाँ आंतरिक लोकतंत्र की स्थापना करें, तब आगे जाके कोई बात बन सकती है। ये बिल्कुल लाचार बेसहाय असहाय हो गए हैं। इनके पास न कोई नीति है, न कोई बदलाव की राजनीति है। इनके यहाँ सिर्फ चमचागिरी का बोलबाला है, पहले से भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। और इसके बदौलत ये जनता का विश्वास नहीं जीत सकते हैं। उसके लिए आपको मोदी जी जैसा 56 इंच का सीना रखना पड़ेगा। आपको आर्थिक प्रगति के मापदंड बनाने पड़ेंगे। 26 किलोमीटर रोड केली माननीय गडकरी जी के नेतृत्व में देश में बन रहा है। पुल पुलिया का निर्माण हो रहा है। सैकड़ों हवाई अड्डे नए नए खोल दिए गए हैं और खोले जा रहे हैं। आप वो कोशिश कर रहे हैं सर कि जनता के मुद्दों को उठाया जा सके, महंगाई जैसे मसलों पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा सके, तो उन्हें भी कोशिश कर लेने दीजिए, क्योंकि ये जनता के हिस्से जुड़े ही मुद्दे हैं। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तमाम चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। इसी के साथ इस बुलेटिन में भी फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB News। नमस्कार।